आंटी, तूने हाथ धोया क्यों नहीं है? वहाँ पे डेटॉल रखा हुआ है, फिर भी तूने हाथ नहीं धोया। टॉयलेट करने के बाद डेटॉल से हो या साबुन से हमेशा हाथ धोना है, ठीक है? ठीक है आंटी, आगे से मैं हमेशा हाथ धोऊंगा। बच्चों आओ, खाना खा लो। तूने हाथ क्यों नहीं धोया? वो भी धो रहे ना। खाने से पहले कभी भी हाथ धो लेना चाहिए, वरना कीटाणु लग जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। चल हाथ धो ले। ये क्या कर रहे हो भाई तू? पूरा जहाँ तक क्यों फेंक रहे हो? डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन में फेंको। तुम्हें साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। सॉरी मैडम, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे मैडम आप ये क्या कर रही थी? मैं जो ये पानी जमा था उसे फेंक रही थी, क्योंकि इसमें मच्छर पैदा होता है जिससे हमें मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारी हो सकते है। चलो इन कचरों को डस्टबिन में डालो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तू? रूम के अंदर सिगरेट पी रहे हो। तुम्हें पता है इस घर में कितने लोग रहते हैं? तुम सभी को पैसे से स्मोकर बनाओगे। क्या बक रही हो? एक तो पान गुटखा खैनी सब खाते हो, ऊपर से सिगरेट पी रहे हो। तुम्हें कैंसर से डर नहीं लगता क्या? पेट तो देखो अपना, क्या वजन बढ़ा रखा है। जब बीमार हो जाओगे तब पता चलेगा। अबे क्या बीमार है? अरे क्या बीमार, जब प्रेशर शुगर बढ़ जाओगे तब जिंदगी भर रोते रहना। ऊपर से एक्सरसाइज तो करते नहीं, कल से एक्सरसाइज करना। आ मम्मी मेरा दांत दर्द दे रहा है। बेटा इधर आओ। दांत दर्द दे रहा है तुम्हारा? इसलिए तो कहती थी मैं हमेशा ब्रश किया करो उठने के बाद, ठीक है? ठीक है मम्मी। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है? आजकल कोरोना चल रहा है। मास्क का है आप लोग का? मास्क कोरोना से डर नहीं लगता है? अरे मैडम जी, मास्क तो घर में है, बाद में पहन लूंगा मैं। घर में अगर आपको कोरोना लग जाएगा तो हमेशा मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। कौन समझेगा आप लोगों को? अरे भाई साहब ऐसा मत छींको, आप तो पूरा बीमार फैला दोगे। जब भी छींकना हो तो अपने हाथों में रुमाल लेके, नहीं तो हाथों से ढक के छिकना चाहिए, समझे? दोस्तों आपने अभी छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे जो हमारे हेल्थ के बारे में हैं, उससे कुछ सीख तो मिले ही होंगे। ऐसे बहुत सी चीज है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखते। जैसे कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और कोशिश करें तो जिंदगी में कई मुकाम छू सकते हैं। लेकिन हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य और वातावरण को ध्यान नहीं रखते। आपने पहले सीन में देखा है कि बहुत से लोग स्पेशली गांव में हाथ नहीं धोते टॉयलेट जाने के बाद, लेकिन बहुत जरूरी है अच्छे प्रकार से हाथ धोना जब भी हम टॉयलेट जाएं। अपने बच्चों को सही स्वास्थ्य का नियम सिखाना बहुत जरूरी है। तंबाकू जैसे पान गुटखा सिगरेट का सेवन करना कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जानवर जैसे गाय और सुअर को खुलेआम छोड़ देते हैं, जो हमारे वातावरण को गंदा करते हैं। हम ध्यान रखें कि इन जानवरों को खुलेआम ना छोड़ें और पशुशाला का साफ सफाई का भी ध्यान रखें। दोस्तों मैं बहुत दुख और खेद के साथ ये कह रहा हूँ कि हम सब इस वक्त कोरोना वायरस के शिकार बने हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लॉकडाउन का सही पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जब भी कभी बाहर जाना हो तो अपने मास्क जरूर लगाएं। तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर इस कोरोना जैसे रोग से लड़कर कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद।